हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डाटा का अंदाजा लगाना अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे। चंपापुर में गांव वाले आजकल इमारतें बांधने के लिए बहुत से पेड़ काट रहे हैं। इस कारण से दिन पर दिन गांव में गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको देख तूफान ने तय किया कि वो 6 महीनों तक हर महीने कटने वाले पेड़ों की संख्या को दर्ज कर लेगा, ताकि वो 6 महीने बाद गांव वालों को ये जानकारी दिखाकर उन्हें पेड़ काटने से रोक सके। तूफान ने झट से एक कागज पर इस तरह की एक खड़ी रेखा बनाई, जिस पर उसने शुरू से हर महीने कटे पेड़ों की संख्या दर्शाई। उसने इसके लिए 1 सेंटीमीटर के समान अंतर पर 50-50 बढ़ाते हुए 0 से लेकर 400 तक की संख्याएं लिख ली और हर संख्या से इस तरह से आड़ी रेखाएं बना ली। फिर उसने हर 2 संख्याओं के बीच समान अंतर पर खड़ी रेखा पर और 4 छोटी रेखाएं बना ली। अब उसने खड़ी रेखा पर 0 से शुरू कर 1 इस तरह की आड़ी रेखा बनाई। क्योंकि वो 6 महीनों तक हर महीने कटने वाले पेड़ों की संख्या गिनने वाला था, इस आड़ी रेखा पर उसने समान अंतर पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिख ली और उन संख्याओं पर खड़ी रेखाएं बना ली और फिर आड़ी रेखा पर लिखी संख्याओं के बीच समान अंतर पर 3-3 खड़ी रेखाएं भी बना ली। चलो अब मैं हर महीने इस कागज पर उस महीने तक कटे कुल पेड़ों की संख्या पर एक निशान बना लूंगा। 1 महीना बीत गया और गांव में पेड़ कटते गए। उसने महीने के अंत तक कटे कुल पेड़ों की संख्या जोड़ी। हे भगवान, इस महीने कुल 40 पेड़ कटे हैं। चलो मैं इसे इस कागज पर इस तरह का बिंदु बनाकर दर्शा लेता हूँ। तूफान ने हर महीने के अंत तक कटे कुल पेड़ों की संख्या को गिनकर इस कागज पर दर्ज कर लिया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हर महीने इतने सारे पेड़ कटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेड़ किस महीने में कटे? बच्चों, क्या आप इस चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा पेड़ कटे? दूसरे और तीसरे महीनों के बिंदुओं के बीच सबसे ज्यादा अंतर है, इसलिए सबसे ज्यादा पेड़ तीसरे महीने में कटे। 5वें महीने के 3रे हफ्ते के अंत तक कुल कितने पेड़ कटे, इसका अनुमान मैं कैसे लगाऊं? मैं 4थे और 5वें महीनों के इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ लेता हूँ। इस तरह जहाँ पर 5वें महीने के 3रे हफ्ते की खड़ी रेखा इस रेखा से मिल रही है, उस बिंदु से मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ कि 5वें महीने के 3रे हफ्ते के अंत तक कुल कितने पेड़ कटे होंगे। हे भगवान, ये बिंदु तो 270 पर है। 5वें महीने के 3रे हफ्ते के अंत तक कुल 270 पेड़ कटे। मुझे जल्दी से जाकर गांव वालों को ये चार्ट दिखाना होगा। तूफान ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें वो चार्ट दिखाया
सभी गांव वाले तूफान की बात समझ गए और उन्होंने मिलकर पेड़ ना काटने का फैसला किया। बच्चों, इस वीडियो में हमने डाटा का अंदाजा लगाने अप्रोक्सीमेशन के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।